हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अमित के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों एक हमारे पास स्टेबलाइजर देख सकते हैं आप लोग, 1 किलोवाट बॉडी में दोस्तों, लेकिन हमारा ये स्टेबलाइजर है 0.5 किलोवाट का दोस्तों। और इसकी हम रोटरी बांधना सिखाएंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों ये हमारे पास रोटरी, और इसमें दोस्तों 9 पिनें होती हैं। 9 पिन होती हैं दोस्तों इसमें। 1 पिन हमारी फेस की होती है ये वाली, और बाकी की सारी पिन हमारी जो ट्रांसफार्मर से जो दोस्तों लूपें आई हुई हैं, जो लीड आई हुई हैं, वो इसमें सब में लगती हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप लगती हैं। इसका भी एक नंबर होता है दोस्तों। रोटरी हम जब बढ़ाते हैं तो घटने लगती है, घटाते हैं तो बढ़ने लगती है। ये जब होता है जब लोग उल्टे कनेक्शन कर देते हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट वाला वायर जैसे दिख रहा है दोस्तों, जो बॉडी से चिपका हुआ है इसकी कोर से, वो हमारा न्यूट्रल है जो हमने अलग कर दिया दोस्तों। और ये वाले हमारे सब लूपें हैं, स्टेप हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप तक है मतलब दोस्तों। अगर हमें मतलब वोल्टेज बढ़ाना और घटाना है तो हम रोटरी से कंट्रोल करते हैं दोस्तों। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये है रोटरी, इससे कंट्रोल करते हैं, स्टेप 1, 2, 3। और आप लोग स्टेप लेने में देख सकते हैं वो बना हुआ है, गोल सा घेरा है उसमें बना हुआ दोस्तों। तो इन तार के कनेक्शन करके दिखाना है हमें दोस्तों। हमने बाकी तो सब तार छील लिए हैं, इसे छील के दिखा देते हैं। तो हल्का सा कट कर लिया है मैंने काती की मदद से। और इसे जो इस तार के ऊपर जो मतलब कार्बन चढ़ा होता है दोस्तों, इस तार के ऊपर होता है हमारा कार्बन, तो उस कार्बन को साफ करेंगे किसी ब्लेड की मदद से या किसी मतलब चाकू की मदद से, किसी चीज़ से, जिससे हमारा ये कार्बन इसका अगर छूट जाएगा जब भी हमारा ये फर्स्ट क्लास वर्क करेगा, इससे पहले नहीं करेगा दोस्तों। उस कार्बन को साफ़ कर लेते हैं, और दोनों वायरों को अच्छे तरीके से अमेट लेना है हमें। उसके बाद इसमें रोटरी में कसना है। और रोटरी में भी दोस्तों मतलब कनेक्शन कई तरीके से होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कई कई लोग उल्टा भी उल्टी रोटरी बांध देते हैं, तो आप जब बढ़ाओगे तो घटेगा, तो जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों। उसे अमेट लिया हमने बड़े तरीके से, और उसके बाद भी थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लिया हमने स्क्रैच। अब दोस्तों जो लूपें हैं हमारी, तो न्यूट्रल हमने कर दिया पीछे, और यहाँ से हमारा दोस्तों पहला नंबर स्टार्ट होता है। तो पहली लूप लगाएंगे, इससे पहले हमने 2 वायर ले लिए कट करके, क्योंकि हमारी पहली लूप के संग 1 वायर हमें लगाना ही लगाना है दोस्तों। और अभी आपको बताऊँगा कि वायर क्यों लगाएं, ये भी आपको समझाऊँगा। तो आप देखते रहें वीडियो, 6 मिनट का वीडियो, ज़्यादा नहीं दोस्तों लंबा है। तो इसे हम कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसे अमेट लेते हैं आपस में, अमेट लिया हमने। अब इसे कस लेते हैं रोटरी में। तो पहली पिन हमारी कौन सी दोस्तों, पहली पिन हमारी ये वाली है, ठीक है, पहली पिन हमारी ये वाली है। तो कैसे पहचानेंगे यही बताता हूँ आपको मैं। तो पहली पिन में हम पहले लगा लेते हैं वायर दोस्तों, तभी आपको बताऊँगा कैसे पहचानोगे आप। 2-3 कनेक्शन होने दो, उसके बाद आप आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कस लेते हैं हम फर्स्ट वाले वायर को, और जो फर्स्ट वाला वायर हमें लगाना है उसके संग वाइट वाला एक वायर, मतलब एक वायर लगा लेना है, कोई सा भी कलर हो उससे कोई इशू नहीं है, मतलब एक वायर लगा लेना हमें, क्योंकि हम उससे अप डाउन की वो बनाएंगे दोस्तों सप्लाई, ठीक है दोस्तों। एक वायर लगा लिया हमने साथ में। अब दूसरी लूप लेते हैं, दूसरी लूप हम दूसरे नंबर में इस तरीके से कस लेते हैं, जैसे हमने ये वाली कसी है ऐसी इसी तरीके से हमें ये वाली लूप कस लेनी है। और इन लूपों को टाइट रखना है, लूजिंग नहीं छोड़नी है। लूजिंग छोड़ेंगे तो स्पार्किंग होगी दोस्तों, स्पार्किंग होगी तो फिर हमारा मतलब ये जल जाएगी रोटरी, ठीक है। तो दूसरा भी हमने वायर कस लिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, पहली पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन, ऐसे पिन हैं जो है ना दोस्तों। तो ये वाली जो पिन हैं दूसरी के बाद जो पिन है, वो पिन हमारी थोड़ा ऊपर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो उस वाली पिन को हमें छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ हमारी ये पिन, जिस जो पिन हमें छोड़ना है, वहाँ से ऊपर से हम लेंगे तो वो हमारी पहली पिन होगी, ठीक है दोस्तों। पहले दूसरी और एक पिन छोड़ के तीसरी, ये आ गई हमारी, ठीक है। और तीसरा भी कनेक्शन इस तरीके से कर लेते हैं, जो हमने पिन छोड़ी है उसमें फेस का वायर आएगा दोस्तों। तो कस लेते हैं इस वाली पिन को, तीसरी वाली को, ठीक है, तीसरी को हमने कस लिया है। अब हमें चौथी पिन कस लेना है दोस्तों, एक चौथा वायर लेके चौथी पिन कस लेना है। और पांचवें वाले वायर में भी हमें एक वायर लेना पड़ेगा दोस्तों, एक अलग से वायर कसना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने चौथा स्टेप अभी कसा है, अब पाँचवीं लूप लेते हैं दोस्तों। पाँचवीं लूप है हमारी, तो पाँचवीं लूप के साथ हम एक तार लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं, पांचवें वायर के साथ एक वायर और लेते हैं, और उसे आपस में अच्छी तरीके से अमेटते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में लगाया था ऐसी 5 नंबर पे लगाना है हमें। तो 5 नंबर पिन पे लगा लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। वैसे तो अगर ब्लैक वाली, अगर प्लास्टिक वाली रोटरी आती है, उसमें लिखा हुआ था दोस्तों 1, 2, 3 लिखा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पहचानना कैसे ही बता दिया मैंने आपको। एक पिन आपको छोड़नी है जो कि मतलब इस लाइन में नहीं होगी, उस साइड हमें फर्स्ट लेना है ऊपर से। रोटरी को घुमा लिया मैंने, 5वां हो गया दोस्तों हमारा। अब छठा वायर कसेंगे दोस्तों हम, इसे बड़े तरीके से टाइट करके,
ठीक है दोस्तों, क्योंकि लूजिंग नहीं छोड़नी है जैसा कि मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो छठी लूप ले लेते हैं हम, देख सकते हैं छः नंबर लूप ले लेते हैं हम दोस्तों। तार गिनते रहना, छठा हो चुका है, ये पाँचवा है दोस्तों। ठीक है, वो पाँचवा हो चुका है, छठा है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो हमारा छठा हो चुका है। अब दोस्तों सातवीं लूप आ गई हमारी ये, ठीक है, सातवीं लूप आ गई। इसे भी कस लेते हैं बड़े तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, ये आ गई हमारी सातवीं लूप। ठीक है, अब दोस्तों आठवीं भी कस लेते हैं इसे खोल के। और पहली हमारी किधर से शुरू हुई, जहाँ हमारी पिन एक छोड़ना है हमें, दो दूसरी पिन के बाद जो पिन छोड़ना है हमें, यानी कि जो ऊपर को पिन होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये सारे स्टेप कस गए दोस्तों, कस गए। अब कौन सा वायर क्यों निकलवाया था ये भी आपको बता दूँ, जो हमने पिन छोड़ी वो तो हमारा न्यूट्रल है दोस्तों। एक जी हमारा वायर आ गया, एक जी आ गया, तो ये दोनों दोस्तों क्या आ गई हमारी, अप और डाउन, यानी कि हमें सप्लाई हाई और लो करना है इसके लिए। और जो तीसरा पॉइंट मैं खोल रहा हूँ, ये हमारा फेस का वायर है, ठीक है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर में जो हमारा लास्ट वाला वायर जो दिख रहा है दोस्तों, सिंगल छूटा हुआ है, वो हमारा न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रोटरी में हमारा ये फेस आ गया जो हम कस रहे हैं, और ट्रांसफार्मर में जो मतलब ये ऊपर के लिए वायर है दोस्तों, वो हमारा न्यूट्रल हो गया। और अप और डाउन जिस जो हम करेंगे, वो हमने दोस्तों पहले स्टेप से और पाँचवें स्टेप से निकाल रखी हैं लूपें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कनेक्शन कंप्लीट होते हैं हमारे, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप लोग को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।